Assalamualaikum, this is me Usman Shah, and today we have a lecture about photo editing. It's related to e-commerce photography. So we have done a shoes photography. Now it's a second step about photo editing. We're gonna use a Photoshop and a camera raw filter. In a camera raw filter, we'll use the light composition, texture, highlights, darkness, and shadows. So now let's move to Photoshop. जी, ये हमारा फोटोशॉप है और यहाँ पे जो है हम अपनी फोटो को एडिट करेंगे। फोटो को एडिट करने से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी फोटो का फॉर्मेट कौन सा है। एक फॉर्मेट आपका जेपीजी है और दूसरा फॉर्मेट आपका रॉ फॉर्मेट है। जो रॉ फॉर्मेट है वो आपको बताएगा कि आपने कैमरे के ऊपर अपनी क्या सेटिंग रखी है। देखिए, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता रहा है आईएसओ इज अ 200, एपर्चर इज अ 2.2 एंड योर शटर स्पीड इज 1/60। तो यहाँ पे एक जो इमेज है ये दिस इमेज इज अ रॉ फॉर्मेट एंड दिस इमेज इज योर जेपीजी। जेपीजी थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है और जो आपकी रॉ फॉर्मेट होता है वो आपकी हाई क्वालिटी होती है, उसमें फोटो एडिटिंग अच्छी हो जाती है। सोशल मीडिया फोटोग्राफी या सोशल मीडिया के ऊपर फोटोज अपलोड करने के लिए आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है स्केल में। तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद और एडोब फोटोशॉप में हमने ओपन किया तो डायरेक्ट ये आपकी फोटो जो है ओपन हो जाएगी। मेक श्योर कि आपके फोटोशॉप के अंदर कैमरा रॉ जो है वो लेटेस्ट अपडेट हो। जैसे ये 13.2 है, अब ये आपकी एक फोटो है, यहीं पे आप अपनी फोटो की लाइटिंग वगैरह, कंपोजिशन, हाईलाइट, शेडो, कर्व, डार्कनेस सारी चीजें सेटल करेंगे। अब फोटो को एडिट करने से पहले मेक श्योर ये हो कि आपने फोटोग्राफी अच्छी की हो, आपके पास अच्छा कैमरा, अच्छी लाइट की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो उसके बाद अगर आपने अच्छी फोटोज खींची होंगी, अच्छी लाइट्स यूज की होगी, तो उसके बाद आपको एडिटिंग पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना होगा। जस्ट इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्रॉप में करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है 6x6। अब 6x6 के फ्रेम में हमने इस फोटो को क्रॉप करना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लैपटॉप से मैंने जो कीबोर्ड है उसे सिंपल मैं अब की कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया। ये जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें कि आपके पास यहाँ पे ये फोटो जो है इस स्केल में आ चुकी है और यही फोटो स्केल में एज इट इज आप अपने इंस्टा और फेसबुक पे ऊपर अपलोड कर सकते हैं। एज पर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब हमने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो है इसका फ्रेम हमने सेटल कर लिया। इसकी हम एक डुप्लीकेट लेयर करेंगे और उसके बाद हम फिल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर में चले गए। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे इसकी लाइटिंग और कंपोजिशंस करोगे। हम बेसिक में गए, यहाँ पे जाके देखें ये वाला जो शेडो है ये ओवरऑल आप ये देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट को इन्हेंस करेगा। मैं इसको कंट्रोल जी करके जीरो करता हूँ और जब कर्व के शेडो में जाएंगे तो ये आपकी फोटो को डल करेगा, मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा ग्रे टोन में लेके जाएगा। तो जब आप फोटो लेके आए, देखिए बेसिकली हमारा ये एरिया इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे अपर्चर अपना कैमरे में 1.8 यूज करके बाकी एरिया को हमने ब्लर किया और ये वाला जो एरिया है इसको हमने स्पेसिफिकली फोकस किया। तो हम थोड़ा सा शेडो को ये देखें सेटल करेंगे। अगर आप ब्लैक करेंगे तो देखें बाकी सारी फोटो डार्क हो जाएगी। ये थोड़ा सा ब्लैक को आप आगे करेंगे। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस हाईलाइट्स को आप करते हैं तो देखें स्पेसिफिकली इसके ऊपर उठाएगा, तो आप इस हाइलाइट्स को कम करेंगे। देखिए जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे आपका प्रोडक्ट और प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से प्रेस ओके करके इतनी सी लाइटिंग सेटल की, फिर आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी करेंगे तो एक और लेयर बन जाएगी। फिर आप कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद अब आप कर्व पोर्शन पे जाएंगे। कर्व पोर्शन में जाके इस डार्क को इस साइड पे करना है, इतना करना है कि आपका ये प्रोडक्ट, फिर यहाँ से आप शेडो थोड़ा सा और मजीद करेंगे, ये आपकी हाईलाइट ज्यादा होगी और यहाँ से आपका ये लाइट थोड़ा ज्यादा होगा। लुक एट दिस, ये करके प्रेस ओके करें। ठीक है, फिर कंट्रोल ऑल शिफ्ट ई करेंगे, फिर आप फिल्टर कैमरा रॉ।
बार बार हम बेसिकली ये जो प्रोसेस हो रहा है आपकी कंपोजिशन हो रही है, ठीक है। अब कंपोजिशन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी लाइटिंग आ जाती है, आपकी डार्कनेस आ गए, आपकी शेडो आ गया, इफेक्ट में जाके आप इसको साइडों से ये देखें, मैं इसको साइड से डार्क कर रहा हूँ, प्रेस ओके, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट ई किया, फिर हमने फिर इसको आपने फिल्टर यहाँ पे गए, आपने फिर फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर में गए और जाके यहाँ पे आपके पास टेक्सचर होगा। टेक्सचर से ये होगा कि जैसे ये शूज का जो लेदर है तो उससे क्या है बेसिक, ये आपका ये टेक्सचर, ये देखिए ये टेक्सचर करने से आपका देखिए शूज जो है प्रोमिनेंट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और इस साइड पे करेंगे तो ये स्मूथ करेगा, प्रेस ओके करें। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो शूज का ये वाला एरिया है, ये एरिया है, इनको हमें थोड़ा सा स्मूथ करना है। तो हम फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर में गए और आपने जाके यहाँ पे क्लैरिटी को जब आप इस साइड पे करेंगे तो देखें ये एरिया आपका ये स्मूथ हो रहा है, इसको ओके करें। ओके करने के बाद अब मैं नहीं चाहता कि बाकी सब एरिया पे भी इफेक्ट अप्लाई हो, तो ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे मास्क लगा देते हैं। अब मास्क क्या है बेसिकली, व्हाइट कलर आपने सिलेक्ट किया और ब्रश लिया, इससे क्या होगा कि जो इफेक्ट है वो जाहरी तौर पे छुप गया है, लेकिन आप व्हाइट कलर सिलेक्ट करके ब्रश लेंगे तो वो आपका जाहिरी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पे इस जगह पे किया, ये शार्प हुआ, ये देखें ये, ठीक है, ये मैंने देखे सिर्फ शूज पे अप्लाई कर दिया, वो देखें शूज के ऊपर शाइन आ चुकी है। तो सिंपल कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई किया आपने, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई करने के बाद अब देखें कि ये आपका ऑलरेडी शूज एक सिनेमेटिक फॉर्म में एडिट हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट किस्म के लट्स हैं, मैं इमेज एडजस्टमेंट कलर लुकअप में गया और सिनेमेटिक थ्री में जाके मेरा ये सिलेक्ट किया हुआ, देखें तो आपका शूज देखें एक सिनेमेटिक फॉर्म में चला गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक परसेंटेज आपने कम करनी है, कितनी रखनी है, मैंने ये इतनी परसेंटेज रखी और रेजर लेके शूज से हम थोड़ा सा इसको रेज करेंगे, ठीक है। शूज से जब हमने रेज किया तो ये देखें कि ये यहाँ पे सिर्फ आपके बैकग्राउंड में जा चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई कर देंगे आप, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरऑल आपने इमेज को ब्राइटनेस देनी है, ये देखिए ओवरऑल मैंने इमेज को ये ब्राइटनेस दी ताकि इमेज जो है ऑलरेडी एक अपना प्रोडक्ट दिखा, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल और शिफ्ट ई करो, बैकग्राउंड को थोड़ा सा और मजीद ब्लर करो, गाशियन ब्लर करो, ओके कर दो। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके फिर आप मास्क लगाओगे, मास्क लगाने के बाद आपने ब्रश लिया और उसके बाद ओपेसिटी आप कम करो और यहाँ पे देखो कि ये आपका देखें उसको ब्लर कर रहा है, ठीक है। ये देखें मैं अगर आई ऑफ करके दिखाऊं तो आपको ये ब्लर नजर आएगा, इसकी थोड़ी सी आप एसटी कम करो कि थोड़ा सा इफेक्ट आपको ये नजर आए, फिर आप कंट्रोल और शिफ्ट ही कर दो और उसके पास फिल्टर शार्पन और स्मार्ट शार्पन करोगे तो इससे आपका ओवरऑल प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे ये शार्प होना शुरू हो गया, ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट शार्प हो गया, ये आपका इस टाइम जो है इसको शार्पन कर रहे हैं ताकि अब ये देखेंगे पूरी एक सिनेमेटिक लुक में एक ब्रांड की लुक ये मैं आ चुका है। एक फोटो सिंपल इसे जस्ट हार्डली आपका जस्ट 5 मिनट लगे हैं जिससे आपकी एक फोटो बहुत अच्छी एड हो जाती है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको इसमें मर्ज किया ताकि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकूं, ये देखिए ये आपका था, लुक एट दिस, ये आपका बिफोर था और ये आफ्टर, सी कि आपने सिर्फ कलर कंपोजिशन करके इसका, और उसके बाद जो भी कंपनी का एक लोगो है, जैसे ये फोटो एक ऑलरेडी एडिट हुई है, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसका लोगो उठाया और यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आप इस लोगो को ये देखें जहाँ पे भी लगाना चाहो, ये मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे ये, ठीक है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि एक ब्रांड की लुक में हमने एक फोटो को एडिट किया। सो दिस इज द वे टू एडिट योर फोटो, यूज ऑफ फोटोशॉप एंड यूज ऑफ कैमरा रॉ फिल्टर एंड यूज ऑफ
हाईलाइट शेडो एंड कंपोजिशन दीज ऑल स्टफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और लट्स के बारे में अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ ये है कि कमेंट्स में करें, आपको लट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड